हमें जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी उसकी अगर बात करें तो तब जो मेडल लेके आए थे पैरालंपिक खिलाड़ी उसमें ए और बी ग्रुप की बेटियाँ होंगी लेकिन सी और डी की रहती हैं। अब वो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं 20 से ज़्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं, तो अब चूंकि 2021 वाली जो स्पोर्ट पॉलिसी आ गई है अब उनकी जो भर्तियाँ बची हैं वो 2018 के हिसाब से होंगी या 2021 के हिसाब से होंगी, क्योंकि वो मेडल 18 में लेकर आए और अब जो हमारी नई पॉलिसी आई है उसके हिसाब से SCS और SCS में सीधे एंट्री नहीं हो पाई। देखिए वैसे तो अभी कोर्ट ने फैसला दिया है, जो इससे पहले ग्रुप डी की भर्तियां हुई थी उसमें पुराने वाली पॉलिसी के हिसाब से उनका जो क्या उन्होंने लिया था अपने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट तो उसको ना मान करके जो नई ग्रेडेशन होती है उसके हिसाब से उन्होंने माना। उनका कि जिस समय पॉलिसी होती है, जिस समय भर्ती होती है उस समय जो प्रिवेलिंग पॉलिसी होती है वही लागू होती है, पिछली पॉलिसीज अपने आप खत्म हो जाती हैं। यानी आज से 20 साल पहले किसी ने पढ़ाई में कुछ कर लिया, आज वो पढ़ाई में कुछ और मांग रहे हैं तो वो 20 साल में पहला काम नहीं आएगा। तो जो पॉलिसी तो जो प्रिवेलिंग पॉलिसी होती है करंट वही आती है उसमें काम, उसमें अब उनको या तो उस समय उन्होंने नौकरी ले ली होती। हमने तो जितने पॉलिसी बनाई थी सबके लिए खुला हुआ था, ग्रुप डी में हमने उसमें कर दिया है रिजर्वेशन किया ना ग्रुप डी में 10% कुछ जी हाँ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ग्रुप डी में कर दिया है। ए और बी वो पहले जिनको लेने थे वो ली है उन्होंने, अब कोई रह गए होंगे तो नई पॉलिसी में आ जाएंगे। मुख्य सचिव वाली जो कमेटी है ये इसका टाइम बाउंड क्या है, कितने दिन वो अध्ययन करती रहेगी फिर अपनी रिकमेंडेशन देगी? भाई उनको टाइम दिया है तो उनको कुछ तो उनको भी ध्यान करना है कि कब तक करना है। वो बहुत बहुत जिम्मेवार आदमी है, चीफ सेक्रेटरी है, कोई सामान्य थोड़ी है। धन्यवाद।